सत्क्रिया बाबा जी नमः। ओम सिद्धक्रिया बाबा जी नमः। बाबा जी, आपने बार बार माउंट कैलाश में मानस सरोवर में जाके आया। उधर -degree टेम्परेचर है, इतना ठंडी है, और आप पैदल जाके आया है, वो कैसे पॉसिबल है? उस पर्वतों के ऊपर जाना, और इतना पत्थर है, पर्वत है, नदियों को पार करना है, नेपाल को पार करना, टिबेट को पार करना, चाइना के पास जाना, इतना सारा चैलेंजेस को लेके आपको जाने के लिए आपके पास बहुत हिम्मत होगा, बहुत संकल्प शक्ति होगा। हम उसका अनुभव को जानना चाहते हैं कि आपने कैसे ये 12 बार किया है। ये सुनने से हमको लगता है कि ये नॉर्मल बात नहीं है, आपके पीछे ये बहुत ये दिव्य संकल्प होगा, एक महान शक्ति होगा, इसी की वजह से आपने इतना कुछ किया है, ये हम जानना चाहते हैं। ये सब के पीछे आप वैसे ही पहले एक थोड़ी देर द्वारा से एकदम कैलाश को जंप करना पड़ रहा है, मुझे भी भाव पकड़ के जाना पड़ रहे, करेक्ट है। लेकिन कैलाश या ये कुछ भी हो, चैलेंजिंग फेज कुछ हम काम पकड़े तो हिम्मत बोले तो कहाँ तक हिम्मत, विश्वास बोले तो कहाँ तक विश्वास। मेरे पास कुछ भी नहीं था उस समय, इसलिए कर सका मैं। अगर कुछ है तो उसका प्रभाव, उसका लिमिटेशन दूसरा करने को हिम्मत नहीं देता, इसलिए मेरे पास हिम्मत का नाम भी नहीं, विश्वास का नाम भी नहीं, कुछ भी नहीं। जाना बस, संकल्प आया, संकल्प पकड़ के चलते रहा, लेकिन मेरे पास कुछ भी, मैं बोल रहा हूँ ना, इवन आई डोंट नो दैट आई एम डिवोटी, आई डोंट नो दैट आई एम साधक, बट कुछ तो आ गया भाव, चलते रहा। लेकिन बाद में अभी बोल रहा हूँ, नाउ आई एम वेरी मच सरप्राइजिंग, लेकिन विदाउट थिंकिंग इफ यू डू एनीथिंग, विदाउट थिंकिंग इफ यू डू, विदाउट प्लानिंग इफ यू डू, एवरीथिंग विल बिकम चैलेंज, एवरी चैलेंज विल बी फुलफिल्ड प्रॉपरली एंड परफेक्टली। यही मेरा जीवन में एक्सपीरियंस है। अगर मैं सोच के गए तो कैलकुलेशन आता, कितना किलोमीटर आया और कितना रहता है, मैं कुछ भी नहीं सोचा नहीं, कैलाश डेस्टिनी ओनली I remembered, so इसलिए ज्यादा ठंड आने लगे तो कुछ ओढ़ने का, गर्म हो गए तो कुछ निकालने का, बस उतना ही काम, completely I lived in the moment that time, so इसलिए ज्यादा आया ज्यादा गया, क्या आया क्या गया नहीं मालूम। मैं बहुत कम कपड़ा लेके गए, बहुत कम कम कम, खाना भी बहुत कम, कैसे मैं वजन है ना तो कम। आज हम 2 sweaters, 4-5 पेयर्स ऑफ सॉक्स, एक शू, एक चप्पल, बहुत कुछ, टोपी, जर्किन, कितना लेके जा रहे, बाद में हम लेके गए 9 बार। लेकिन उस समय मेरे पास एक प्लास्टिक कागज था, बारिश आए तो, तूफान आए तो, सिर्फ प्लास्टिक कागज, वो ओढ़ने का, नीचे बैठने का, बारिश जाने तक, दूसरा रास्ता कुछ भी नहीं। अभी इतना फैसिलिटीज है तो भी डर है, सब कुछ है। उस समय कुछ भी चीजें, बहुत कम चीज लेके गए, इसलिए मैं मानता हूँ कुछ तो बचपना चाहिए, मैडनेस चाहिए, सरेंडरस का मतलब मैडनेस, एक कुछ तो मैडनेस बन गया, मुझे मिल गया, इसलिए चलते रहा। अगर कुछ चेंज आ गया, कुछ कुत्तों का, वो रास्ते में 4-5 कुत्ते, शाम तक चलते चलते शाम हो गए तो कुत्ते आता है, कहाँ से आता है पहाड़ों से, वो हमारे एक आदमी दिखे तो जरूर वहां आता है, आदमी नहीं दिए तो वो अपना अपना जगह में रहता है। 4-5 कुत्ते, काला काला कुत्ते, इतना हाइट वाला, चेहरे देखे तो आदमी का जैसे चेहरे, वो आ गया उस मोमेंट में, आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड, नोबडी इन्फॉर्म्ड मी, कोई नहीं पता है मुझे आपको कुत्ता आता है ऐसा ऐसा, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, कुत्ता आता बोल के मेरा स्वामी जी बताया, आए तो क्या करना बोले तो चुप बैठना, डरने का नहीं, कुछ भी हिलने का नहीं। सो सेम थिंग, वो आ गया अचानक आ गया, वो कुछ दिन नहीं आया, बाद में आया, तो क्या करूं, बैठ गए रात भर उधरी, अभी खड़े रहे, कुछ जाना शुरू किए तो वो भी पीछे आ रहे, क्योंकि दे वांट टू फॉलो, दे वांट टू दे, वो नहीं देख रहे, आदमी नहीं मिलता है उनको, बहुत कम मिलता है, मिले तो घोड़े वाले मिलते, घोड़े वाले वो कुत्तों को कुछ ना कुछ करते, इसलिए मेरा जैसे लोग बहुत कम मिलता है,
तो एक सिचुएशन वही हाउ आई फेस द चैलेंज ऑफ डॉग्स पहाड़ी डॉग्स जस्ट आई एक्सेप्टेड एंड आई सैट देयर रात भर ऐसे बैठा धीरे धीरे कागज निकाला मेरे पास स्लीपिंग बैग दिया वो अपना स्वामी जी वो स्लीपिंग बैग को बिछाया उधर ऐसे रह गए आकाश को देखते रहे ना रात भर नींद आए तो आई नहीं आई तो नहीं आई लेकिन अभी सोचे तो एक बार सोच लीजिए दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर ए पर्सन हु गोस अलोन लोनली लोनली अकेला अकेला एक ही व्यक्ति आकाश के नीचे जंगल में पहाड़ों के बीच में एक अननोन क्रूयल लुकिंग डॉग्स के साथ साथ में नजदीक में वो लोग नजदीक ना है दूर में ऐसे 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 लेकिन सिचुएशन बट नो वरी नो फियर रियली रियली गॉड 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 हैज मेड मी एंड जस्ट समथिंग अगर विश्वास भी नाम नहीं इसे नहीं ले सकता हूँ मेरे ऊपर विश्वास है मुझे हिम्मत है कौन सा हिम्मत का बात ही नहीं आया जस्ट जीरो स्टेटस में बैठ गए उस चैलेंज को फेस किया कुत्तों का चैलेंज अकेलापन का चैलेंज तो चैलेंज भी जैसा भी नहीं दिखा मुझे ऐसा रहना रह गया सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उजाला आ गया मैं उठ गया कुत्ते चले गए देखे तो एक कुत्ता भी नहीं है हाँ हाँ वो चले गए मैं मेरे पैक करके चलते रहा कहीं जहाँ पानी अच्छा मिला कुछ कुछ तो कम ठंडा वाला पानी कुछ मिले तो थोड़ा धूप पाने के बाद तब स्नान करना कुछ तो ये करना 2-3 दिन स्नान मुंह भी नहीं धोया मैं क्या धोता हूँ क्या काम करते पानी में हाथ रखना मुश्किल है सो दैट वे नेचुरली फेसिंग दी सिचुएशंस इसलिए हिम्मत का नाम भी नहीं ले सकता हूँ विश्वास का बात नाम भी नहीं ले सकता हूँ भगत का भी नाम नहीं ले सकता हूँ जस्ट आई एम लाइक दैट जस्ट डेस्टिनी कैलाश आ जाएगा कल आएगा परसों आएगा कब आता है सो दिस इज वॉट वी नीड टू शुड नॉट थिंक कुछ प्लानिंग भी नहीं रहना प्रोजेक्ट जैसा कुछ तो कुछ रिपोर्ट कुछ इन्फॉर्मेशन इससे दिमाग ज़्यादा काम होता है जब दिमाग कम काम करता है जीरो काम करता है तब अंदर से एक अच्छी तरह से एनर्जी एक आता है वही मैं एक्सपीरियंस करके टंडी को भी मैं ये फेस किया बहुत बहुत चीज़ों को फेस करके 59 डेज ये यात्रा करके वापस आया ऐसे पैदल पैदल जाके बहुत अच्छा स्वामी जी जैसे दिमाग को जब जीरो करेंगे तभी हमको उस ऊर्जा मिलते हैं यही हमारा ध्यान है जब ध्यान करेंगे उसी समय हमारा माइंड जीरो होंगे उसी समय हम उस दिव्यत्व के साथ आगे बढ़ सकते हैं For further information and blessings like comment